अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि मैं अपने एक कज़न ही लगते हैं, खाले हैं मेरी, उनके बेटा है आगे, ठीक है, उनके घर आया हूँ। और ये अपने गांव से हमारे काफ़ी दूर एक और गांव है और सारा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर आज मैं आया हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं जो है वो रात को ही आ गया था ड्यूटी अपनी ख़त्म करके, तो डायरेक्ट जो है घर नहीं गया, यहीं पे आ गया था। ये हमारे गांव से तकरीबन 1 घंटा लगता है यहाँ पर आते हुए, ठीक है। और यहाँ मेरी खाला एक रहती हैं, वो बीमार थी काफ़ी दिनों से, तो उन्हें भी देखना था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ आया हूँ। और अभी आज मुझे जो है वो छुट्टी है, तो छोटा कज़न मेरा जो है वो इधर ही रहता है, ठीक है। पिछली वीडियो मेरी में एक में शायद मैंने उससे उसका जिक्र किया और बताया था, वो उसका घर यहीं पे है, तो उसके साथ अभी हमने एक जगह जाना है। वो कह रहा है आपको एक जगह ले के जाऊँगा, अभी जाते हैं देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। इनके घर के सामने ना बिल्कुल, मतलब जो सहन है इनका, उसके सामने ये पहाड़ नज़र आता है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का व्यू है यहाँ से। स्टोरी कुछ ऐसी है कि अभी हम जो है वो इनके घर के पास ही तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं हमें बाइक पे, ठीक है। पहाड़ है, पहाड़ के आगे इन्होंने बोला कि आबिशार है बहुत प्यारी, तो अभी वहाँ पर आए हैं। ये रोड जो है यहाँ तक जो है वो रोड बनी हुई है, यहाँ से आगे जो है ख़त्म है, कोई समझ नहीं आ रही, बस ये पुल बना हुआ है और यहाँ से आगे जो है पहाड़ ही पहाड़ है, रोड आगे नहीं जा रही। और उस साइड पे वहाँ कहीं जो है वो आबिशार है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। वो वहाँ पर जो है वो बाइक खड़ा की है और उसी से आगे वहाँ पर जो है वो रास्ता है, कहीं वहाँ करके आगे आबिशार है, अभी जाते हैं देखते हैं। बता रहे तो हैं कि काफ़ी प्यारी जगह है, जाके देखते हैं। नहीं क्यों भाई, पानी वाली जगह मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और अभी ये आ चुके हैं हम वहाँ पर जहाँ इन्होंने मुझे जाना था, आप इशारा है छोटी सी। पानी बहुत साफ है, अभी आगे जाते हैं जो बड़ी आबिशार है, ठीक है, वहां जाते हैं। ओए क्या पहाड़ है, ओह कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। अभी हम पहुँच चुके हैं जो बढ़िया विशाल थी वहाँ पर, वो बहुत ही प्यारी जगह है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, ठीक है। अभी नीचे जाते हैं, आपको नीचे जा भी जो है आबिशार पानी ऊपर से गिर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है,
और मेरा तो नहाने का दिल कर रहा है, बट ये नीचे जो है ना गहरा बहुत है, ठीक है, और ये सारे आगे जो है ना पहाड़ ही पहाड़ हैं, बहुत प्यारी जगह है। छोटा कज़न जो है ना नहाने लगा है, ओए तक ही डूबना मुझे, ओए ये है हमारा वाटरफॉल। बस बस होटल बिच भेजना, होश भेजो। फिर भी बहुत ज़्यादा थी जब हम आए थे तो, क्योंकि धूप काफ़ी तेज थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अभी गर्मी महसूस नहीं हो रही, काल के पानी ऊपर से गिर रहा है, और यहाँ पर अगर बंदा बैठ रहे हैं तो बहुत ही सुकून वाली जगह है। दुगना गले अभी उस साइड जाना है, लेकिन जाना पता नहीं कैसे, पानी है, काफी डर लग रहा है। ऐसा वाटरफॉल मैंने जो है ना अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है, मतलब कि मूवीज़ वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है, बट रियल में जो है ना मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वाटरफॉल जो है वो देखा है। मेरा भी नहाने का दिल कर रहा है, बट दूसरी कुछ ऐसी है कि एक तो ये पानी बहुत गहरा है क्योंकि मुझे तैराकी नहीं आती, और दूसरा मेरे पास कपड़े नहीं हैं जिसकी वजह से मैं नहा नहीं सकता, लेकिन पानी में मैं ज़रूर जाऊँगा क्योंकि बहुत ही फिट पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ यहाँ से बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा था इसलिए क्योंकि धूप थी, ठीक है, और यहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये आबशार कैसी लगी। अच्छा ठंडी ठंडी हवा, देखिए कितना साफ सुथरा पानी है यहाँ पर। ये कह रहा है कि कितना फुट है, 35-40 फुट गहरा है ये जो है जहाँ पानी गिरता है, ठीक है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर जो है वो उसके समझ पानी के कतरे जो है ना वो आ रहे हैं, और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, ऐसे जैसे कूलर लगा हुआ है। अभी नहाया मैं नहीं हूँ, बट जो है ना बाल वगैरह मैंने गीले किए हैं, ठीक है, और अभी यही प्रोग्राम है कि थोड़ी देर तक हम जो है वो वापस जाएंगे, बस समझिए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर होती है हम यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वाटरफॉल के आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है।
अभी जो हम वो ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, और वहाँ कहीं से वो ऊपर ये लोग बता रहे हैं कि जब लड़के आते हैं तो वो ऊपर से जो है वो नीचे छलांग मारते हैं वहाँ पर, काफ़ी बुलंदी पे है ये, ठीक है, और मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल काम है, बट ये लोग करते हैं। यहाँ ऊपर से लेके वो नीचे दो तीन फ्लोर तो होएगा। जैसे ही वहाँ से वापस निकले हैं गर्मी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ पर तो ठंडा पानी था और काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बट अभी यहाँ पर वही गर्मी शुरू हो गई फिर। आए हाइकिंग के लिए बहुत फिट जगह है, पर यहाँ एक मसला और भी है। मसला ये है कि बहुत ही वीरान जगह है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। मैं जब घर से निकला हूँ तो काला लोग भी और अम्मी की भी कॉल आई हुई थी, वो लोग मना कर रहे थे कि आप यहाँ नहीं जाना, ये पास भी काफ़ी वीरान जगह है। अभी आ गए हैं वापस, ठीक है, बाइक के पास और घर जाते हैं, तो वहाँ जाके मैं आपको बाकी की शूटिंग बताता हूँ। अभी स्टोरी कुछ ऐसे है कि वापस आ चुके हैं घर और खाना वगैरह खा के मैं सो गया था, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 4, ठीक है, और आज मैंने जो है वो वापस जाना है घर, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।